मेरा नाम मुराद अंसारी है। दूसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा था। वो टाइम में मेरे घर पे ऐसा था कि ड्रेस के लिए साल में एक ही मिलता था। मेरे घर पे अब्बू का पैंट लेके अपने हिसाब से मैं बनाने लगा उनको, और फिर मैंने जो है ना इस सिलाई लाइन में इंटरेस्ट लिया। जब मैं दुकान में सीखने गया, करीब वो 10 साल का उम्र था मेरा, जब काम चालू किए तो मुझे वो टाइम में करीब 25 पैसा मिलता था मुझे, तो करीब वो 7-8 रुपया ऐसा कुछ कमा लेते थे वो टाइम में। तो एक कारीगर बोले कि बॉम्बे में काम बहुत है लेकिन रहने का काफ़ी दिक्कत है। तो हम लोगों ने जब आया, दादर उतरा, दादर उतरने के बाद कुर्ला आए, और कुर्ला में जब एड्रेस किसी से पूछने लगे तो एड्रेस लोगों ने देख के बोले कि ये कंपनी अभी अभी आग लग गई। तो जब लिबास कंपनी के अंदर हम लोग गए, कंपनी के पास, वाकई में आग लगी थी। हम लोग का बॉम्बे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बॉम्बे में रहना था, बॉम्बे में मुझे टिकना था। तो सेठ मुझे सपोर्ट किए, बोले कोई बात नहीं, तुम तो एक कोट का कारीगर हो, तुमको ज़्यादा दिन नहीं जाएगा लेडीज सूट सीखने में। तो फिर मुझे जब दिए तो काफ़ी परेशानी हुआ, 2-3 महीना फिर मुझे वो सीखने में लगा। साल भर के बाद लिबास वापस से चालू हुआ, तो फिर लिबास में काम किया मैंने, और रेट भी अच्छा खासा था लिबास में, कमाई भी अच्छा था। लेकिन मेरा हाथ देखने के बाद मुझे जो है डिजाइनर के साथ में सिंपलिंग में रख लिया। तो करीब 5 साल काम करने के बाद मुझे एक रसिया से एक दोस्त ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और बोले कि रसिया में एक मास्टर की जरूरत है। मैं तो ऐसे ही मैं तैयार था, मैं चाह रहा था कि मुझे बाहर का मतलब ऐसा मुझे मौका मिले। फिर मैंने वहाँ पे करीब 1.5 साल काम किया, 1.5 से 2 साल काम किया। फिर मेरा पोला मैम से कांटेक्ट हुआ। फिर पोला मैम से कांटेक्ट होने के बाद मैं अभी फिर बॉम्बे आया हूँ, रट नफ में काम कर रहा हूँ। बॉम्बे में 2000 में आया हूँ मैं, लेकिन जो बॉम्बे में मुझे यहाँ पे यूरोप कल्चर का काम मिला, लंदन का काम मिला, कुवैत का भी कई लोग मुझे मिले, दुबई का भी मिले, तो काफ़ी कुछ मुझे इसमें मतलब सीखने को मिला। मैंने नेट से, यूट्यूब से, और मैंने बुक्स भी कई मंगाया हूँ, और फिर ये सब चीज़ों से कटिंग सीखा हूँ। आज ऐसा है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेस्पोक का सूट मैं बना रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी इधर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो फुल बेस्पोक की बात ही अलग है, क्योंकि जब वो बॉडी में डालते हैं तो एक फीलिंग होता है जैसे एक शर्ट पहने, ऐसा पहनने के बाद एक फ्री मोमेंट ये सब मिलता है। काम करने से पैसे मिलता है और मेहनत करने से फल, तो मैंने काम के साथ में मेहनत करना मैंने चालू कर दिया।